एक इतने गुरु नानक हॉस्पिटल जी, एक तरन तारण तो एक साड़ी आह रेलवे स्टेशन का बस स्टैंड के उपर। हाँ जी इतने दो जिन्ने मर्जी लै सकता है, गुरु का प्रसाद किसी मना नहीं हुंदा जी, जिन्ना कोई भी लेने जावे उन्ने लै सकता जी। पंजाब दे विच सेवा भाव तो तुसी बहुत सारा वेख्या होएगा, लेकिन जिहड़ी अज सेवा सी तुहानू विखाण जा रहे हाँ इहो जी सेवा तुसी किते नहीं वेखी होएगी, जिथे कि सिख संगतां वल्लों जिहड़ा है एक नवेकला प्रयास किया गया, जिथे कि वह लोग जिहड़े रोटी तो वांझे रह जांदे ने उन्हां नू लंगर छकाया जाता है। तो तस्वीर तुहानू असीं सांझी कर रहे हैं, इस वेले तुसी वेख सकते हो कि एक वैन है, उस वैन दे विच दो जिहड़े सिंह ने साडे वह इस वेले लोगों नू लंगर वंड रहे ने। और सब तो वड्डी गल है लंगर जिहड़ा है कल्ले एक दिन नहीं बल्कि सत्तों दिन जरा है यह लंगर जरा है वंडिया जाता है। तो सब तो पहले लंगर भी तुहानू दिखा रहे हैं कि दाल दे नाल प्रशादे जिहड़े ने इत्थे संगतां वास्ते दिते जांदे ने, ते कोई भी प्राणी इत्थे आके इस लंगर का सेवन कर सकता है। और सब तो वड्डी गल है यह लंगर जरा है कल्ले एक दिन वास्ते नहीं, पूरे पंजाब भर के लखां प्रशादे ते टना दे विच जिहड़ी है दाल सब्जी जिहड़ी इत्थे तैयार की जाती है। तुसीं वेखो कि किसे सुचजे तरीके दे नाल इत्थे जिहड़े प्रशादे भी वंडे जा रहे ने, अते नाल ही नाल संगतां दा पेट भर भोजन जिहड़ा है इत्थे कीता जा सकदा है। तुहानू दिखा सकदे हां तुसीं तस्वीरां राहीं तुहानू विखा रहे हां कि किवें संगत जिहड़ी है इधरले पासे आ के सब तो पहले प्रशादे लैंदी है, अते प्रशादे लैण तो बाद इस तो बाद सब्जी दित्ती जांदी है। तो प्रशादे भी देखो किस तरीके दे नाल चंगे प्रशादे जिहड़े ने इत्थे संगत वास्ते दिते जा रहे ने। तो यह उपराला जिहड़ा है धन धन श्री गुरु रामदास जी लंगर सेवा हुशियारपुर वाले वालों किया जाता है, तो हुशियारपुर तो रोज़ लंगर तैयार हो के जिहड़ा इत्थे आता है तो उस तो बाद संगत नूं वरताया जाता है। तो साढ़े नाल इस सेवादार मौजूद ने, असीं सेवादार साहब नाल गलबात करांगे अते नाल ही जाणांगे कि आखिरकार किवें इस नूं शुरू किया गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब किवें फिर मन च आया तो की है कि सिस्टम तुहाडा? वाहे खालसा वाहे फतेह जी। असीं जी धन गुरु रामदास लंगर सेवा पुरी ना हुशियारपुर तो जी, ये जी साढ़े है ना बाबा जी मनजीत सिंह वो बाहर ने, उन्होंने मन में फुरना 2017 आया, तो 2017 तो साड़ी बिल्डिंग बननी शुरू हुई जो साडा गुरद्वारा साहब लंगर हाल जिन्हों कह देंगे हुशियारपुर, तो 2019 के बन के मुकम्मल होया। तो उदों तो जाने कि लगातार सेवा ये निरंतर चल रही है, 1 फरवरी तो 2019 के शुरू होया। सेवा की कुछ किया जाता है, की कुछ दिता जाता है संगत को? इस सेवा डेली अलग हर दिन का अलग अलग मेन्यू आ, जिदा सोमवार चिट्टे चने, तो मंगलवार दाल फुलका, तो बुधवार को कड़ी चौल तो नाल प्रशादा, तो हर दिन इदी अलग अलग मेन्यू। हाँ जी, तो किन्नी क संगत इतने जी है जी रोज़ के प्रशादे छकती है? इतने जी घट्टो घट भी 1500 तो 2000 के अलग अलग लगभग संगत प्रशादा छक के जाती टाइम पर। हाँ जी जी। तो टोटल किन्ना प्रशादा अमृतसर वास्ते तैयार होंगे? इतने अमृतसर साड़िया 3 गड्डिया आदि जी। हाँ जी, एक इतने गुरु नानक हॉस्पिटल जी, एक तरन तारण तो एक साड़ी आह रेलवे स्टेशन का बस स्टैंड के उपर। हाँ जी जी। किन्ने बजे सर कितों तो प्रशादा तैयार कितने होंगे जरा गर्म गर्म प्रशादा ही वेखते हैं? ये जी प्रशादा गुरु रामदास लंगर सेवा रसोई में उत्थे सवेर में सेवादार 2 बजे शुरू हो जाते बनाना, तो 11-12 बजे तक प्रशादा बनता जी। हाँ जी, तो तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं, तुसीं वेखो कि प्रशादे जिहड़े ने वह असीं तुहानू दिखा रहे हैं कि प्रशादे जिहड़े तैयार किए जाते हैं, तो उस तो बाद इन्हां प्रशादियां नूं लिया के ये गड्डी जिहड़ी है। हाँ जी जी, ये स्पैशल असीं हॉट केस इसलिए तैयार किए, इन्हां च प्रशादा गर्म रहिंदा जी, क्योंकि आउण नूं टाइम लगता इत्थे, फिर भी अमृतसर दूर आ, फिर भी 2-2.5 घंटे का रास्ता आ, तो इस करके जाने की हॉट केस आ, इदे बंद रहिंदा ये, जाने की भाफ देखो हजे भी गर्म है ना, हाथ नहीं लग रहा इन्ने गर्म आ जी। तो बिल्कुल इत्थे विशेष हॉट केस राही जिहड़ा लंगर है हुशियारपुर तो अमृतसर पुजदा है। तो तुहानू एक दाल का भी दिखाने कि दाल जिहड़ी है इत्थे तैयार की जा रही है, तो वह दाल की भी तुसीं देखो किन्नी उच्च क्वालिटी की दाल जिहड़ी है इत्थे तैयार की जा रही है, तो इस पूरे तड़के लगे ने जी? हाँ जी बाबा जी, पूरे तड़के लगे हुए हैं, प्याज लसन अदरक हर एक चीज़ ये पाई हुई है जी। देखो कि जो भी कोई व्यक्ति इतने प्राणी लंगर छकन वास्ते आता है तो उसनों पहला 2 प्रशादे भेट किए जाते, तो नाल नाल दाल भी, तो भाई जी ये दाल दोबारा भी लेना चाहे कोई दिक्कत? हाँ जी बाबा जी, ये कोई दाल दोबारा लेना चाहे कोई दिक्कत नहीं, लै सकता जी। खुले गफ्फे? हाँ जी, खुले गफ्फे ने गुरु महाराज मतलब
वेखो कि इत्थे तुसीं असी इस वक्त अमृतसर रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हाँ, तो तुसीं वेखो कि जिहड़े लोग ने, क्योंकि सवेर का समा हुंदा है, लोग आते हैं तो वध जिहड़े लोग इत्थे लंगर छकन। और सब तो वड्डी गल है कि सफाई का पूरा ध्यान रख्या जाता है, तो किसी तरह की कोई गंदगी नहीं पाई जाती। और वह लोग जिहड़े ने घरों रोटी नहीं लिया सकते, जिन्हां कोल रोटी की सुविधा नहीं हुंदी, वह इत्थे लंगर छक रहे ने। तो तस्वीरां तुहानू लगातार सांझियां कर रहे ने, तो इकली एक रेहड़ी नहीं बल्कि पंजाब के वख-वख कोनियां दे विच जिहड़ियां ने कई रेहड़ियां लगदियां ने। और कहा जाता है कि 3 लाख प्रसादे जिहड़े ने तकरीबन तैयार होंदे ने, जो कि पंजाब के वख-वख शहरां 'च जांदे ने। तो यह हॉटकेस भी तुहानू दिखा रहे हैं, तुसीं वेखो कि किड्डा वड्डा हॉटकेस है। और इस दे विच सब तो वड्डी चीज़ है कि दाल अते प्रसादे जिहड़े ने गर्म रहिंदे ने। तो तुसीं वेखो कि अगर इत्थे दाल वंडी जा रही है, तो दाल दे विच हाले भी तुसीं सेक तुसीं देख सकते हो कि धुआं निकल रहा है, इहदा मतलब कि दाल बिल्कुल गर्म है। और किसी तरह की भी कोई गंदगी नहीं, और बकायदा तौर दे उत्ते जिहड़ा भी कोई संगत आती है तो उसनू खुले प्रसादे दिते जांदे ने। ते भाई साहब, जेकर दो तो वध प्रसादे खाने कहवे, नहीं इत्थे दो जिन्ने मर्जी लै सकदा है, गुरु का प्रसाद किसी नूं मना नहीं हुंदा जी, जिन्ना कोई भी लैने जावे उन्ने लै सकदा जी। हाँ जी, कई जिदा घरों नहीं, जाने कि घरे है नहीं कोई, घर ले जाण लई भी लै लैंदे आ, कोई डब्बा अपना कोई अपने बर्तन लिया के उन्हां नूं भी दे दईदे। प्रसाद किन्ने क शहरां च तुहाडी गड्डियां चलदियां, किन्ने प्रसादे तैयार हुंदे ने? साडियां तकरीबन सारे जिलियां दे सिविल हॉस्पिटल जाने कि मेन आ जी, उन्हां दे विच सिविल हॉस्पिटल सवेर नूं 11 बजे गड्डियां उत्थे पहुँच जांदियां जी, तो 4 बजे तक लंगर वरताउंदियां जी निरंतर। किन्ना क प्रसादा रोज़ तैयार हुंदा पूरे पंजाब वास्ते जी? साडियां 2 ब्रांचां बनिया हुई, एक हुशियारपुर आ जी, एक मुक्तसर पिंड मधीर विच वा जी, गिद्दड़वाए दे लागे। तो इत्थे जाने कि हुशियारपुर के लगभग 3 लाख प्रसादा बनता एसटीमेटली। तो जिहड़ा मधीर पिंड वा जी, उत्थे हजे जाने कि सानू साल ही होया शुरू कीत्या नू, तो उत्थे भी 1.5 लाख प्रसादा बन जाता, 4.5 लाख प्रसादा पूरे पंजाब 'च दिता जी। जी तुहानू इक होर चीज़ दसदे हां कि संगतां दे सहयोग वास्ते इत्थे भाई साहब भाई इंद्रजीत हरा वालों जी है एक विशेष सेवा की जाती है। बकायदा तुसीं वेखो कि पानी का भी अरेंजमेंट किया गया है, तो बकायदा तौर के उत्ते तुसीं वेखो जिहड़ी भी कोई संगत प्रसादे छकदी है वह इत्थे पानी भी पीती है, तो उन्होंने जल का भी पूरा अरेंजमेंट इत्थे किया गया है। तो भाई साहब जल का अरेंजमेंट भी किया इत्थे? हाँ जी भाई। किवें रोज़ करदे हो फिर तुसीं इत्थे? बस महाराज कृपा है, डेली पानी भरीदा है, पानी भर के रखीदा। हाँ जी महाराज करदा जी कृपा। गुरु रामदास जी का लंगर है, तो गुरु रामदास जी की नगरी के सेवा है, मालक ही करा रहे जी, उ कर रहे जी, मालक करा। देखो संगत कह रही ने कि ऐसी नहीं करते, तो गुरु रामदास जी की वसाई हुई नगरी ने तो उत्ते गुरु साहब ही करवाते हैं। तो एक चीज़ होर सब तो वड्डी, तुसीं देखो सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है, तो भाई साहब सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है, इनू फिर किस तरह करते मैनेज सारा? ये जी इतने कमेटी वाले ने सानू जगह दिती हुई है जी, जाने की लंगर लगाने, तो वो स्पैशल इतने शाम को आके झाड़ू पर इतने फेर के जाते, सफाई करके जाते जी। तो इतने बाकी वीर इंद्रजीत हुणी जी ये इतने सेवा करते, इस गल का खास ध्यान रखते बिल्कुल। तो एक बार फिर तुम दिखाने कि जे तुम गर्म गर्म दाल अते सवेरे प्रसादे छकना चाहते हो, तो एक बार फिर तुम दिखाने कि स्वाद वाली दाल है। और सब तो वड्डी गल है गुरु का लंगर मिठा बहुत हुंदा है, तो इस मिठे लंगर नूं जेकर तुसीं छकना चाहते हो तो तुसीं सवेर वेले आ सकते हो। तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने यह लंगर जरा है सवेरे चलता है, तो जिथे लोग आके इस लंगर नूं छकते हैं, तो असी ये इस सेवा इस करके दिखाई है कि होर भी लोग सामने आन। अक्सर असी बहुत सारिया चीज़ा देखते हैं कि काम होंगे ने, लेकिन इतने वो लोग ने जिहड़े कि दिहाड़ीदार मजदूर ने या जिहड़े रिक्शा चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं, उन्हां वास्ते लंगर का खास इंतजाम किया गया है। कैमरामैन अजय सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।